नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक केस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे जीरोस्टोमिया, यानी आपके मुंह में सलाइवा ना बनना, यानी कि मुंह में थूक ना बनना, यानी कि ड्राई माउथ के विषय में। जीरोस्टोमिया साथियों एक पिक्यूलियर कंडीशन होती है जो आपकी जनरल हेल्थ को गिराती है, और जिनका मुंह सूखता है, जिनका ड्राई माउथ रहता है, वो लोग परेशान रहते हैं। क्योंकि ड्राई माउथ अगर किसी को होता है तो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस गड़बड़ा जाते हैं, उसका डाइजेशन गड़बड़ा जाता है और वह इससे परेशान रहता है। होम्योपैथी में साथियों कारगर दवाएं हैं आपके ड्राई माउथ को ठीक करने की, यानी मुंह जो सूखता है, चिपकता है, उसको ठीक करने की, जो आपको सलाइवा को पुनः बनाने के लिए हेल्प करके आपको नॉर्मल कंडीशन में ले आएंगे। बताएंगे साथियों ऐसी 10 कारगर दवाएं आज आपको, जो आपके ड्राई माउथ को ठीक कर सकती हैं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ड्राई माउथ होता क्या है। ड्राई माउथ साथियों मुंह का सूखना, और मुंह कब सूखता है? मुंह तब सूखता है जब आपका सलाइवा कम बनता है, यानी आपके मुंह में सलाइवा कम बनने से जो मुंह सूखता है या चिपकता है, उस स्थिति को ड्राई माउथ कहते हैं। उसको टेक्निकल वर्ड उसका जीरोस्टोमिया है। ड्राई माउथ के साथियों बहुत ऑब्वियस सिम्टम्स होते हैं, बहुत समान सिम्टम्स होते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम यही है कि जब आप का जो सलाइवा बनता है वो कम हो जाता है, और वह कम हो जाता है तो आपके मुंह में चिपकापन आ जाता है, चिपकने लगता है, स्टिकी हो जाता है माउथ और टंग। पहला सिम्टम वो हो गया साथियों। दूसरा सिम्टम हो गया जो आपका सलाइवा बन भी रहा है उसको आप तार की तरह खींच सकते हैं, वह स्टिंगी होता है। तीसरा सिम्टम साथियों बैड ब्रेथ हो गया, और चौथा सिम्टम साथियों सोर थ्रोट हो गया, यानी गले में खराश होना और मुंह से बदबू आना। अगर यह सिम्टम है तो संभावना है कि आपको ड्राई माउथ हो रहा है। इसके कारणों पर बात कर लेते हैं साथियों। ड्राई माउथ के तमाम कारण होते हैं, जिसमें कि एजिंग प्रोसेस एक कारण होता है, कैंसर रेडिएशन की थेरेपी किसी को दी जाती है वो एक कारण होता है, कई सारे मेडिकेशंस होते हैं जो आपको ड्राई माउथ कॉज करते हैं, इसके अलावा कोई नर्व इंजरी हो जाती है तो फिर जो है वो आपके ड्राई माउथ हो जाता है। इस तरह तमाम कारण होते हैं ड्राई माउथ के। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज हो गया, इसमें भी आप ड्राई माउथ एक्सपीरियंस करते हैं, यानी मुंह अपना आप चिपका चिपका सा टंग महसूस करते हैं। बहरहाल परेशानी है तो उसका इलाज भी है। हम आपको बताएंगे ड्राई माउथ यानी जीरोस्टोमिया को खत्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों बता देना चाहते हैं कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए है, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना ना दे। चलते साथियों बताते हैं आपको ड्राई माउथ को खत्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट दवा जो होम्योपैथी में ड्राई माउथ की आती है वह है ब्राइनिया। अगर आपके ड्राई माउथ है, आपका मुंह सूख रहा है, तो आप ब्राइनिया एल्बा ले सकते हैं। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका माउथ, मुंह और लिप्स जो होंठ ड्राई है वह वापस मॉइस्चराइज हो गए और आप कंफर्टेबल महसूस करने लगे। जो ब्राइनिया एल्बा मेडिसिन है इसकी रेड लाइन ही है ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स, यानी कहीं भी जो ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, कहीं भी जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी ड्राइनेस है, उसमें रूखापन है, सूखापन है, तो आप ब्राइनिया ले सकते हैं। ब्राइनिया के मरीज को गले में भी बहुत खराश और रूखापन रहता है। यह दवा लेने से आपका मुंह भी जो सूखापन है खत्म हो जाएगा और आपके जो गले में सूखापन है वह भी खत्म हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके पसीना बहुत बहता है और मुंह बहुत सूखता है। अगर यह स्थिति कि आपके पसीना बहुत आता है, स्वेट बहुत डिस्चार्ज होता है और आपका मुंह बहुत सूखता है, अगर यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कारगर दवा विरेट्रम एल्बम है। अब विरेट्रम एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपको लाभ दे देगी और आपके परस्पायरेशन को भी सीमित करेगी और आपके ड्राई माउथ को खत्म करके दोनों बातों का बैलेंसिंग बैठा के आपको फील गुड फैक्टर
दे देगी। एक स्थिति साथियों आ सकती है ड्राई माउथ की कंडीशन में कि आपका मुंह इतना सूख गया कि आपकी जुबान ऊपर तालू में चिपक गई। जब आप सुबह उठते हैं तो आप ये कहते हैं साहब हम सुबह उठते हैं तो हमारी तालू पे जुबान चिपकी हुई लगती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो आपको या आपको ऐसा एहसास हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नक्स मोस्काटा। नक्स मोस्काटा 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो इतना सूखा मुंह है कि आपकी जुबान तक तालू से सुबह चिपक जाती है वह कैफियत खत्म हो गई और आपका माउथ पुनः उसमें सलाइवा बनने लगा और आपका पूरा फिजियोलॉजी ठीक हो गई। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके ड्राई माउथ है और आपके बहुत जलन हो रही है। अगर यह स्थिति हो कि आपका जो टेस्ट बड्स है उनमें बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सैलिसिलिक एसिड। आप सैलिसिलिक एसिड 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मुंह की ड्राइनेस को भी खत्म करेगी और आपको राहत देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके माउथ में ड्राइनेस हो गई, आपका मुंह सूख रहा है, आपके लिप्स भी क्रैक हो रहे हैं। अगर इतना ज्यादा सूखापन हो कि आपको मुंह सूख रहा है, मुंह में छाले भी आ रहे हैं, आपके लिप्स भी क्रैक हो रहे हैं और आप कुछ भी खा रहे हैं तो बड़ा कड़वा लग रहा है, नमकीन लग रहा है, तो अगर यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है नेट्रम्यूरेटिकम। आप नेट्रम्यूर 1 mg/3 की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली हफ्ते में ले ले। आप देखेंगे कि आपके मुंह की ड्राइनेस भी खत्म हो गई, आपके लिप्स की ड्राइनेस खत्म हो गई, आपका लिप्स के क्रैक खत्म हो गए, आपके मुंह के छाले खत्म हो गए और आपको जो कड़वापन लग रहा है खाने में वह खत्म हो गया और आपका जीवन आसान हो गया। फिर साथियों एक स्थिति आती है आपके माउथ के बहुत ज्यादा ड्राइनेस है कि शक्कर भी मुंह में नहीं पिघल रही है। अगर यह स्थिति आप में हो कि शक्कर भी आपके मुंह में नहीं पिघलती है और आपके मुंह में बदबू रहती है और एक वाइट कोटिंग जमी रहती है तो उसे वाइट और येलोइश ग्रीनिश कोटिंग होती है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्क्यूरियल पेरिनिस। मर्क्यूरियल पेरिनिस 30 पावर में आप 2 बूंद ले सकते हैं। अगर आपका माउथ बिल्कुल ड्राई है, इतना ड्राई है कि उसमें शक्कर तक नहीं घुल रही है तो यह दवा आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। आप मर्क्यूरियल पेरिनिस को लेकर अपने को लाभ प्राप्त करा सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों ड्राई माउथ की कंडीशन में कि आपका सलाइवा बिल्कुल थूक जो है वह बिल्कुल लार जो है बिल्कुल सूख गई और वो लार इतनी गाढ़ी हो गई कि उसको आप तार ऐसा खींच सकते हैं, मतलब रोप्स की स्ट्रिंग्स के फॉर्म में उसको आप खींच सकते हैं। तो अगर इतना आपके ठीक सलाइवा हो गया है सूखने के बाद तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा काली बाइक्रोम। आप काली बाइक्रोम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो बिल्कुल ड्राई माउथ हो गया जिसमें कि जो लार बन रही थूक बन रहा है वह उसको आप खींच सकते हैं, उस तरह का हो गया वह ठीक होके आप का जो वह सलाइवा है वो नॉर्मल जैसा पहले कभी आपको हुआ करता था वैसा वापस हो जाएगा। काली बाइक्रोम में एक और खास बात होती है साथियों, काली बाइक्रोम दवा का जो स्ट्रिंग्स होती है या जो थूक होता है उसमें पीलापन होता है, येलोइश कैरेक्टर होता है। अगर आपको यह कैरेक्टर दिख रहा है तो निश्चित रूप से आपकी दवा काली बाइक्रोमियम है। फिर साथियों एक स्थिति आती किसी किसी में कि उनके ड्राई माउथ हो गया, उनके गम से बहुत ब्लीडिंग होने लगी। अगर यह स्थिति है कि आपके बहुत ड्राई माउथ है और आपके गम से ब्लीडिंग हो रही है और आपका शरीर दुबला पतला और गहरा है, अगर यह स्थिति है तो इन स्थितियों से निपटने की एक दवा है और वह है बराइटाम्यूरेटिकम। बराइटाम्यूर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जब आपका ड्राई माउथ हो, टंग आपकी क्रैक हो और आपके जो है यहाँ जीरो स्टोमिया की कंडीशन हो, इस स्थिति में बराइटाम्यूर आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा आपके सिम्टम में रिलीफ देके आपको स्वस्थ कर देगी। एक स्थिति आती है साथियों ड्राई माउथ के कंडीशन में कि आपका मुंह बहुत सूख गया है, सलाइवा बिल्कुल नहीं बन रहा है और जो सलाइवा बन भी रहा है वह सलाइवा बहुत कम है और इतनी आपकी गला सूख गया है कि आपको यहाँ पे कसाव महसूस हो रहा है, आपको बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो अगर यह स्थिति आप अपने में देखते हैं ड्राई माउथ के केस में तो निश्चित रूप से आपकी दवा बेलेडोना है। आप बेलेडोना 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपका माउथ ड्राई है, आपकी थ्रोट ड्राई है, आपको अपने गले पे कसाव लग रहा है और आपको बोलने तक में
दिक्कत हो रही है, तो बेलेडोना आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह आपकी समस्या को खत्म करके आपको ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी के ड्राई माउथ है और उसकी जुबान बिल्कुल ऐसे सूख गई जैसे चमड़ा लग रहा हो, केवल जो है चमड़ा यानी लेदर मुंह में पड़ा हुआ है। अगर इस तरह की वर्स्ट सिनेरियो हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है हायोसाइमस। आप हायोसाइमस 32 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं या खुद ले सकते हैं जिसको ड्राई माउथ हो। अगर जुबान बिल्कुल ही सूख गई है और बोलने तक वो चिटकती है तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हायोसाइमस है। हायोसाइमस के पेशेंट के नॉर्मली लेसिवस मेनिया होता है, यानी वो थोड़ा सा सेल्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। उसको न्यूडिटी पसंद होती है और वह उन्हीं सब चीजों की तरफ आकर्षित ज्यादा होता है। ऐसे मरीजों की ड्रग ऑफ द चॉइस हायोसाइमस है। फिर साथियों, एक स्थिति आती है ड्राई माउथ के केस में कि आपका माउथ बहुत ड्राई हो रहा है और सूखा आप उठते हैं तो मुंह में बदबू बहुत होती है। मुंह तो सूखा है ही और जो सुबह उठ रहे हैं तो मुंह में बदबू बहुत है। अगर यह कंडीशन हो कि आपको मुंह में बदबू सुबह सुबह उठने पे बहुत आती हो और आपका मुंह सूख गया हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा पल्सेटिला नाइग्रेंस है। आप पल्सेटिला 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं। जब आपका सुबह उठते हो तो मुंह बहुत सूखता हो, मुंह से बदबू आती हो, आपको प्यास बहुत कम लगती हो, तो आपको इस समस्या को खत्म करने की दवा पल्सेटिला है। इसको आप 30 पावर में ले और अपने आप को ठीक करने में अपनी मदद करें। एक स्थिति आती है साथियों, जब बच्चों में 12-13 साल पे हार्मोनल चेंज होता है उस समय उनका मुंह सूखता है। तो अगर यह कंडीशन है कि जब प्यूबर्टी की एज बच्चे अटेन कर रहे हैं उस समय उनका ड्राई माउथ हो गया है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है ऑरम मिटालिकम। आप ऑरम मिटालिकम 32 बूंद दिन में 3 बार उन बच्चियों को दे सकती है जो अपने प्यूबर्टी की एज को अटेन कर रहे हैं और उस समय उनका मुंह बहुत सूख रहा है। इस दवा से उनका जो यह ट्रांसफॉर्मेशन है बॉडी का यह भी स्मूथ हो जाएगा, उनका सलाइवा का सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा और लाइकवाइज उनका ड्राई माउथ भी खत्म हो जाएगा। एक स्थिति जो आमतौर पर देखी जाती है साथियों, जब आपके ड्राई माउथ होता है तो आपके मुंह में छाले आते हैं, गड्ढे ऐसे पड़ जाते हैं जिसको एप्था कहते हैं, माउथ अल्सर कहते हैं। तो अगर आपके मुंह में छाले आ रहे हैं और आपका मुंह बहुत सूखता है तो होम्योपैथी में छाले खत्म करने की और मुंह को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है बोरेक्स। आप बोरेक्स 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। बोरेक्स ये वही है जिसको कि हम लोग सुहागा कहते हैं हिंदी में, एक जो कंपाउंड आता है जगह जगह मिलता है सुहागा, तो वही बोरेक्स उसी की दवा है। तो बोरेक्स मुंह के छाले भी सही करने की बहुत अच्छी दवा है और बोरेक्स आपके ड्राई माउथ को खत्म करने में भी बहुत अच्छी दवा है अगर आपके ऊपर छालों का सिम्टम है और आपके मुंह में जलन और गर्मी आपको महसूस होती है, तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस आपको ठीक करने की बोरेक्स है। फिर साथियों, एक स्थिति आ सकती है किसी को कि उसके ड्राई माउथ हो और मुंह में इतनी ज्यादा जलन लगती हो कि उसको बर्फ का पानी चाहिए। अगर यह स्थिति आप में हो कि आपको इतना ज्यादा मुंह में गर्म लग रहा है कि आपको बर्फ के पानी से आराम होता है, बर्फ खाने से आराम होता है, उस कंडीशन में ड्राई माउथ को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है एल्यूमेन। आप एल्यूमेन 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका जो ड्राइनेस का एक्सट्रीम है और जलन का जो एक्सट्रीम है मुंह में वह खत्म हो जाएगा और आपका सलाइवा सिक्रीशन भी बढ़ के यानी थूक का ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा और आपका ड्राई माउथ यानी जीरोस्टोमिया खत्म हो जाएगा। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि आपके जो मुंह है वह सूख गया है और जुबान जो है उसमें चुभन हो रही है, जैसे बरैया के काटने की चुभन होती है, इस तरह का स्टिंगिंग टाइप आपके सेंसेशन पेन हो रहा है आपके टंग में और आपका मुंह पूरा सूखा हुआ है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार हर वो मरीज ले सकता है जिसके मुंह में जो है मुंह सूखता हो, जुबान में चुभन होती हो, उसको प्यास लगभग बिल्कुल नहीं लगती हो, तो उसकी ड्रग ऑफ द चॉइस एपिस है। एपिस अर्टिकेरिया की भी बहुत अच्छी दवा है, यानी जो पित्ती उछलती है उसकी भी एपिस बहुत अच्छी दवा है, लेकिन यहाँ जो बात विषय है वह ड्राई माउथ है, तो वह ड्राई माउथ की भी एपिस बहुत अच्छी दवा है।
फिर साथियों एक स्थिति आती है, ड्राई माउथ का एक मतलब वर्स्ट सिनेरियो में से एक होता है कि मुंह इतना सूख जाता है कि मरीज अपनी जुबान तक बाहर नहीं निकाल पाता, टंग को प्रोट्रूड नहीं कर पाता। तो अगर यह स्थिति हो कि आप जुबान ही बाहर नहीं निकाल पा रहे, टंग को प्रोट्रूड ही नहीं कर पा रहे, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लेकैसिस। आप लेकैसिस वनियम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका मुंह भी सही हो गया, आपका ड्राई माउथ भी खत्म हो गया, और आप जो टंग प्रोट्रूड नहीं हो पा रही है, टंग बाहर जुबान नहीं आ पा रही, वह भी नॉर्मल अपने कोर्स में आने लगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आप सुबह सुबह उठे और आपका मुंह बहुत सूखा हुआ है और आपको कुछ खा नहीं पा रहे, आप सुबह नाश्ता नहीं कर पा रहे। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको अपने में लगे कि आपका बहुत ड्राई माउथ है और आप कुछ नहीं खा पा रहे और आपका मुंह बहुत सूखा हुआ है, तो उस कैफियत को उस समस्या से निपटने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में सल्फर है। आप सल्फर वनियम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। अगर आपका मुंह सुबह सुबह के वक्त सूखता है, आप सुबह नाश्ता नहीं कर पाते हैं, आमतौर पर सल्फर के पेशेंट को मीठी चीजें खाना बहुत पसंद होता है, नहाना बिल्कुल नहीं पसंद होता है, रात में ये लोग देर तक जागते हैं और सुबह देर तक उठते हैं, अगर इस तरह की कैफियत आप में है तो सल्फर आपका ड्रग ऑफ द चॉइस है। साथियों एक मेडिकल कंडीशन में कि ड्राई माउथ जिसमें बहुत पाया जाता है वह है डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस यानी ब्लड शुगर। जिनका ब्लड शुगर होता है, डायबिटीज होता है, उनका आमतौर पर देखा गया मुंह सूखता है। तो अगर यह स्थिति आप है यानी आपको या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, ब्लड शुगर है और उनका मुंह सूख रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आर्सेनिक एल्बम है। आप आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार उस मरीज को दे सकते हैं जिसको ब्लड शुगर यानी डायबिटीज हो, उसका मुंह सूखता हो, उसको थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लगती हो। एक बार साथियों हम आपको बताना चाहेंगे, आर्सेनिक एल्बम ब्लड शुगर की मेरे हिसाब से नंबर एक दवा है। अगर आपको डायबिटीज है आप आर्सेनिक लेके देखें, आपका वंडरफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। इसका 30 पावर 2 बूंद आप दिन में 3 बार लें और वास्तविक मैजिक देखें। यह एक निग्लेक्टेड ड्रग है डायबिटीज के केस में, लेकिन हमने इसको अपने क्लिनिक पे बहुत इफेक्टिवली यूज करा है। तो अगर आपको थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लगती है और आपका मुंह सूखता है और आपको ब्लड शुगर है, तो आर्सेनिक एल्बम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। दो और दवाएं हैं, पहली है यूरेनियम नाइट्रिकम और दूसरी है फास्फोरस। यूरेनियम नाइट्रिकम 30 पावर में दिन में 3 बार और फास्फोरस वनियम की 1 खुराक वीकली हर वो मरीज ले सकता है जिसको डायबिटीज हो और उसका ड्राई माउथ हो रहा हो। फास्फोरस के मरीज को आमतौर पर ठंडी चीजें खाना पसंद होता है और शाम को उसकी तकलीफें बढ़ती हैं, और यूरेनियम नाइट्रिकम में आपके यूरिन में शुगर आ रही है तो वह डायबिटीज के ठीक करने की बहुत कारगर दवा है, प्लस आपके ड्राई माउथ को खत्म कर देगी। एक स्थिति और साथियों आ सकती है कि आपका मुंह रात में ज्यादा सूखता है, जब आप रात में लेटते हैं तो मुंह बहुत सूखता है। तो अगर यह स्थिति है कि रात में जब आप लेटते हो तब आपका मुंह सूखता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कोकुलस इंडिकस। आप कोकुलस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। जो आपको रात को मुंह सूखता है, मुंह में बहुत कड़वापन लगता है, वह स्थिति से यह आपको ठीक कर देगी और आपको स्वस्थ कर देगी। जैसा कि साथियों भी चर्चा हुई थी सिम्टम्स में कॉजेज में कि आपका जो टीथ के ट्रबल है उससे भी आपका ड्राई माउथ हो सकता है। तो अगर आपके टीथ के ट्रबल से रिलेटेड ड्राई माउथ हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है प्लांटैगो। आप प्लांटेगो 32 बूंद दिन में 3 बार या प्लांटेगो का मदर टीचर 20 drops 2 times ले सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर टूथ रिलेटेड ट्रबल से आपके मुंह सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, तो प्लांटेगो बहुत अच्छी दवा है। वो आपके सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ा के आपके ड्राई माउथ को खत्म कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके मुंह में जो लार बन रही, जो थूक बन रहा है, जो सलाइवा बन रहा है, वहां बहुत नमकीन है, यह आपको इरिटेट करता है। तो वो कम बन रहा है, जितना बन रहा है बड़ा मुंह में नमकीन वाला टेस्ट रखे। तो अगर यह इरिटेबल स्थिति आपके सामने हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है साइक्लामेन।
आप साइक्लामिन 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि जो आपके नमकीन टेस्ट वाला सलाइवा है जो बिल्कुल आपको इरिटेट कर रहा है, वहां नमकीनपन सॉल्टीनेस सलाइवा की खत्म हो गई और जो सलाइवा आपका डिक्रीज हुआ है बनना कम हुआ है वहां भी पुनः स्थापित होके बनने लगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों की, जो आपके थूक बन रहा है सलाइवा बन रहा है उसमें कड़वापन है, खट्टापन है, तो अगर खट्टापन आपके सलाइवा में हो, थूक में खट्टापन हो, एक तो सलाइवा कम बन रहा है और जो बन रहा है उसमें खट्टापन है, तो अगर ऐसी स्थिति आप में हो कि आपके सलाइवा में खट्टापन है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा इग्निशिया अमारा है। आप इग्निशिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मुंह में जो थूक का खट्टापन है उसको खत्म करके सलाइवा का सिक्रीशन भी बढ़ा के आपके ड्राई माउथ की समस्या को खत्म करके आपको स्वस्थ कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों, जो आपका सलाइवा बन रहा है, थूक बन रहा है, वह मीठा है, तो अगर थूक में बहुत ज्यादा मीठापन है जो इरिटेबल आपको लग रहा है तो उसकी जो स्वीटनेस है उसको खत्म करने की या कम करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा कैमोमिला है। आप कैमोमिला 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका जो सलाइवा है उसका जो मीठापन है वह खत्म हो जाएगा। आमतौर पर कैमोमिला को हम लोग बच्चों के गुस्से को कम करने की दवा के रूप में, चिड़चिड़ेपन को दूर करने की दवा के रूप में देखते हैं, लेकिन यह आपके स्वीट सलाइवा को भी खत्म करने में बहुत कारगर है। ये साथियों को दवाएं थी आपके ड्राई माउथ यानी जीरोस्टोमिया को ठीक करने की। इस वीडियो से साथियों यही प्रयास करा है कि आपके कई जो आपके दिमाग में सवाल आते हैं आपके मर्ज को लेकर, उसमें कुछ सवालों का जवाब आपको मिल जाए, यह वीडियो उसी का माध्यम है। अगर आपके मन में साथियों क्वेरी हो कोई, तो आप नीचे दिए गए नंबर में नोटिफिकेशन में फोन नंबर दिया है उस पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपने सवाल को लिख सकते हैं। हमें आपके बाइबल सवालों का संतोषजनक जवाब देने में अत्यंत प्रसन्नता होगी। अगर साथियों आपको यह हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब आपने करा होगा और उसे सब्सक्राइब कराइएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथी इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, बात सुनने के लिए, पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.